दोस्तों यहां पे देख सकते हैं एमआई वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद मुकाबले में दोस्तों ज्योतिष विद्या द्वारा बताऊंगा कि कप्तान उपकप्तान किसको बनाना है, आज के मैच में दोस्तों कौन सा खिलाड़ी ड्रीम टीम में कप्तान उपकप्तान बनेगा और कौन फ्लॉप होगा। पिछले मुकाबले में दोस्तों आपको मैं लाइव प्रूफ दिखाना चाहता हूं कि मेरे टीम में दोस्तों बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से दोस्तों रविंद्र जडेजा कप्तान बने थे। और दोस्तों यहां पे बात की जाए, देख सकते हैं रविंद्र जडेजा के साथ दोस्तों हर्षल पटेल वाइस कैप्टन बने थे। आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा जय बालाजी महाराज की, जय बागेश्वर धाम की, आपकी मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों यहाँ पे ज्योतिष विद्या द्वारा टीम बनाई जाएगी और दोस्तों आप लोग यहाँ पे जबरदस्त तरीके से विनिंग कर सकते हैं। दोस्तों बताया जाता है कि कौन सा खिलाड़ी का आज ग्रह चलेगा, कौन सा दोस्तों राशि चलेगी और कौन सा फ्लॉप होगा। तो चलिए दोस्तों पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देना चाहता हूं क्या मेरे टीम में दोस्तों ड्रीम टीम जो पिछला मुकाबला अभी अभी हुआ है और दोस्तों उसमें क्या मेरे टीम में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पंजाब वर्सेज चेन्नई का मुकाबला हुआ था। इस मुकाबले में यहाँ पे आपको दिखाता हूँ दोस्तों ड्रीम टीम और दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट रैंक वाले को 1 करोड़ रुपए मिले हैं। देख सकते हैं यहाँ पे अगर बात की जाए, मैंने बोला था कि पंजाब मुकाबले में दोस्तों यहाँ पे जबरदस्त तरीके से दोस्तों कौन कौन से खिलाड़ी फ्लॉप होंगे, कौन कौन से नहीं चलेंगे, पूरी जानकारी दोस्तों आपको देना था। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग लाइव प्रूफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों आप लोगों को, देख सकते हैं रविंद्र जडेजा यहाँ पे क्या बने हुए हैं, कप्तान बने हुए 290 पॉइंट दिए हैं और पूरे आईपीएल सीजन में फ्लॉप चल रहे थे, मगर दोस्तों इस मुकाबले में 100% यहां पर रविंद्र जडेजा ने दोस्तों 290 पॉइंट्स दे करके ड्रीम टेबल में दोस्तों इतिहास रच दिया है। वही दोस्तों हर्षल पटेल 186 पॉइंट दिए हैं, ड्रीम टीम में दोस्तों वाइस कैप्टन बने दोस्तों यहां पे जबरदस्त तरीके से और पूरे सीजन में दोस्तों यहां पर रविंद्र जडेजा फ्लॉप चले थे। मैं बार बार कह रहा था कि रविंद्र जडेजा आपको ड्रीम टीम में कप्तान कप्तान कभी भी बन सकते हैं। और दोस्तों दूसरी चीज ये बोला था कि पंजाब के गेंदबाज कहर भर पाएंगे, देख सकते हैं हर्षल पटेल, राहुल चहार, यहाँ पे अर्शदीप सिंह और यहाँ पे देख सकते हैं एस सिंह है जो कि जबरदस्त तरीके से चार गेंदबाज यहाँ पे। और दोस्तों बोला था मैंने कि यहाँ पे तुषार देशपांडे अगर वापसी करते तो प्लेइंग 11 में इनको भी लेना, ये भी 100% दोस्तों देख सकते हैं 70 पॉइंट और शार्दुल ठाकुर को भी 2 विकेट्स मिल गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने बोला था कि जहाँ पे देख सकते हैं जानी ब्रेस्टो फ्लॉप होंगे, शिवम दुबे फ्लॉप होंगे, जो खिलाड़ी ड्रीम टीम में लगातार आ रहे थे वो फ्लॉप हो गए देख सकते हैं और जबरदस्त तरीके। चलिए मैं आपको अपनी टीम में प्रूफ के साथ दिखाना चाहता हूँ क्या मेरे टीम में दोस्तों यहाँ पे रविंद्र जडेजा कप्तान बने हैं या फिर नहीं बने। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे रविंद्र जडेजा मेरे टीम में दोस्तों 290 पॉइंट के साथ में ड्रीम टीम में कप्तान बने हुए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों वाइस कैप्टन की बात आती है, क्या मेरे टीम में दोस्तों हर्षल पटेल वाइस कैप्टन बने हैं या फिर नहीं बने, तो आपको मैं लाइव प्रूफ दिखाना चाहता हूं कि दोस्तों मेरे टीम में हर्षल पटेल वाइस कैप्टन आप लोगों को दोस्तों यहां पे दिखाना चाहता हूं। तो चलिए दोस्तों मैं दिखा देता हूं यहां पे आपको, दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरे टीम में दोस्तों यहाँ पे हर्षल पटेल वाइस कैप्टन बने हैं, लाइव प्रूफ आपको दिखा रहे हम। तो बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से दोस्तों यहाँ पे हमारे टीम में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 186 पॉइंट के साथ में हर्षल पटेल ड्रीम टीम में है। तो दोस्तों ज्योतिष विद्या द्वारा बनाई जाएगी टीम, 100% आपकी विनिंग होगी। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे एमआई वर्सेस दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला होगा, आज कौन कप्तान बनेगा, कौन फ्लॉप होगा और दोस्तों पूरी जानकारी मिलेगी। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देख सकते हैं मुंबई इंडियंस दोस्तों काफी ज्यादा फ्लॉप शो चल रहा है इनका, पिछले 4 मुकाबले लगातार हार के आ रही है। वही दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद देख सकते हैं यहाँ, ये दोस्तों ये भी दोस्तों यहाँ पे ड्रीम टीम में अच्छा प्रदर्शन पिछला मुकाबला जीत करके आ रही। और दोस्तों ये मुकाबला कहाँ पे होने वाला, सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेज मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। और दोस्तों यहाँ पे आपको देखा होगा कि सूर्य कुमार यादव ने पिछले मैच में बल्लेबाजी अच्छी करी है मगर मुंबई की टीम हार गई थी। पेसर्स को इसमें दोस्तों विकेट मिले हैं, मिशेल स्टार्क और जसप्रीत बुमराह को जबरदस्त तरीके से ड्रीम टीम में दोस्तों विकेट मिले थे। मिशेल स्टार्क को 4 विकेट मिले थे क्योंकि फास्ट बॉलर है और जसप्रीत बुमराह को 3 विकेट मिले थे। मिशेल स्टार्क कप्तान बने थे, जसप्रीत बुमराह वाइस कैप्टन बने थे। और यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि 200 के आसपास स्कोर बनता हुआ दिखाई देगा। रिसेंट विकेट की बात की तो 12 विकेट है जिसमें पेसर्स को 10 मिले हैं, स्पिनर को 2 मुकाबले मिले हैं। अब दोस्तों हेड टू हेड मुकाबले की बात करी जाए, देख सकते हैं हेड टू हेड 10 मुकाबले खेले गए एमआई वर्सेज एसआरएच के बीच में, जिसमें मुंबई इंडियंस ने 6 मुकाबले जीते हैं, सनराइजर्स हैदराबाद ने 3 मुकाबले जीते हैं, 1 मुकाबला ड्रा रहा। तो आप दोस्तों बात करते हैं कि बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से दोस्तों आज की टीम बनाई जाएगी और आपकी 100% विनिंग होगी। दोस्तों आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जय महाराज, जय बालाजी महाराज की जय हो, सन्यासी बाबा की जय हो, दादाजी गुरुजी महाराज की जय हो और आपकी मनोकामना पूरी होगी, आप लोग 100% दोस्तों यहाँ पे विन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं हेनरी क्लाइसन की बात की जाए, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हेनरी क्लाइसन का दोस्तों जो ये किस खिलाड़ी दोस्तों किस राशि के जातक हैं, ये दोस्तों कर्क राशि के जातक हैं और ड्रीम टीम में इनके दोस्तों पिछले मुकाबले में आप लोग देख पा रहे हो हेनरी क्लाइसन ने 66 पॉइंट दिए हुए हैं। तो हेनरी क्लाइसन को आपको अपने टीम में जरूर लेकर के चलना है, ये खिलाड़ी दोस्तों आपको अच्छी फॉर्म में नजर आने लगा है। पिछले मैच में दोस्तों ड्रॉप था शुरुआत, इसने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी थी बट दोस्तों ये बैक आपको 100% ड्रीम टीम में दोस्तों कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी फिर से हो सकता है दोस्तों, अगर इनकी बैटिंग टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज अच्छा कर जाते हैं तब उस कंडीशन में दोस्तों ये
हेनरी क्लाइसन को बैटिंग न आने की वजह से ड्रीम टीम में बाहर हो सकते हैं। अगर इनकी बैटिंग आई और इनको खेलने को मिला तो दोस्तों 100% ये ड्रीम टीम में आने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों ईशान किशन की बात करें, 73% सिलेक्शन रेट है और दोस्तों ये किस राशि के जातक हैं, वृश्चिक राशि के जातक हैं और ड्रीम टीम में इनका कुछ खास योगदान नहीं है। दोस्तों देख सकते हैं पिछले मुकाबले में बुरी तरह से दोस्तों ड्रीम टीम में हटते हटते बचे हुए 20 टीम दिए। कोलकाता के सामने मिशेल स्टार्क ने इनका विकेट गिराया था, लखनऊ के सामने 49 पॉइंट। तो ये खिलाड़ी दोस्तों आपको ड्रीम टीम में कप्तान उपकप्तान बनेगा, जैसा कि मैंने बोला था कि रविंद्र जडेजा भी दोस्तों ड्रीम टीम में अभी तक पूरे आईपीएल सीजन में कप्तान उपकप्तान नहीं बन पाए हैं। तो वही दोस्तों अब उसी कंडीशन पे ईशान किशन और रोहित शर्मा भी चल रहे हैं। तो अभी तक दोस्तों कोई अच्छी पारी इनके बल्ले से नहीं निकली है और इनके पास मौका कि ड्रीम टीम में अच्छा योगदान कर सकते हैं। जरूर दोस्तों आपको ईशान किशन और यहाँ पे देख सकते हैं रोहित शर्मा, दोनों बल्लेबाज बहुत ही अच्छा खेलते हैं और दोस्तों आपको ड्रीम टीम में अच्छा योगदान कर सकते हैं। इन खिलाड़ियों को हमेशा दोस्तों आपको ड्रीम टीम में खेलते हुए देखेंगे कि किस प्रकार का प्रदर्शन रहता है। दोस्तों ये खिलाड़ी भी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जबरदस्त तरीके से आपको ड्रीम टीम में प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अगर बात की जाए अनमोल प्रीत सिंह, ये दोस्तों ड्रीम टीम में आपको इनको ड्रॉप करना है। मेष राशि के जातक है, इनका भी दोस्तों यहाँ पे बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से कोई भी ड्रीम टीम में इतना बड़ा योगदान आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस खिलाड़ी को आप लोग आंख मूंद करके ड्रॉप कर सकते हैं। विकेट कीपर सेक्शन में आपके सामने दो ही खिलाड़ी हैं, वो कौन कौन से हैं, ईशान किशन है और दोस्तों हेनरी क्लाइसन है। तो दोनों खिलाड़ी आपको ड्रीम टीम में लेकर चलना है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं अब दोस्तों यहाँ पे 82% सिलेक्शन रेट के साथ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कुंभ राशि के जातक जिनका नाम है दोस्तों सूर्य कुमार यादव। पिछले मैच में दोस्तों ड्रीम टीम में दोस्तों इन्होंने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करी, 56 रन की पारी खेली और मुंबई इंडियंस में कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक नहीं बना पाया। अकेले दम सूर्य कुमार यादव ने जबरदस्त योगदान प्रदर्शन दिया और जबरदस्त अपनी टीम को दोस्तों जीतते जीतते आखिर में मुंबई इंडियंस हार ही गई, क्योंकि सूर्य कुमार यादव को विकेट गिरने के बाद मुंबई इंडियंस पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी थी। तो सूर्य कुमार यादव को जरूर दोस्तों बैक करिएगा क्योंकि इनके पिछले मुकाबले काफी ज्यादा बेकार चल रहे थे, फ्लॉप हो गए थे, मगर दोस्तों ये फिर से एक बार अपनी लय पकड़ चुके हैं। और लास्ट में आपको पता है जब मुंबई इंडियंस प्ले ऑफ से बाहर हो जाएगी दोस्तों तो हर एक खिलाड़ी मुंबई इंडियंस का बल्ले से रन बनाएगा, क्योंकि अभी तक तो प्ले ऑफ में जाने के चांस थे, मगर जब बिना टेंशन के मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज बल्लेबाजी करेंगे और सामने वाली टीम के ऊपर प्रेशर डालेंगे तो तब मुंबई इंडियंस के हर एक बल्लेबाज आपको अकेले दम मैच जितवाने की ताकत रखता है। मगर मुंबई इंडियंस दोस्तों कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या की कप्तानी की वजह से बहुत ही ज्यादा अंदर ही अंदर कमजोर हो गई और इस सीजन में नीचे से टॉप कर रही है मुंबई इंडियंस। तो पता चल जाएगा कि मुकेश अंबानी के पास जो रिस्क है दोस्तों गेम प्लान हार्दिक पांड्या को अचानक से कप्तान बनाने का, उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा कि आईपीएल में सबसे गंदी टीम नीचे रह गई। तो यही दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम एक समय में चैंपियन हुआ करती थी, आज रोहित शर्मा के बल्ले से एक भी रन नहीं बन रहा। इसका मुख्य रीजन है कि इनकी जबरदस्ती कप्तानी छीनी गई। अगर कप्तानी नहीं छीनते तो रोहित शर्मा का ये जो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं फ्लॉप शो जारी है, ये दोस्तों कहीं ना कहीं ड्रीम टीम में आपको लगातार मैच दिखाई देते, क्योंकि रोहित शर्मा के दिल में ये बात बैठ गई कि हार्दिक पांड्या के बस की बात नहीं है कप्तानी कर पाना। हालांकि शुरुआत में रोहित शर्मा ने दोस्तों देख सकते हैं अच्छे पॉइंट्स दिए हैं, मगर जब प्ले ऑफ में जाने का मौका आया तब रोहित शर्मा ने अपने पांजर ढिला दिया और ड्रीम टीम में उनका कोई भी योगदान नहीं है। एक बार देख सकते चेन्नई के सामने 150 पॉइंट जिसमें शतक मारा था, उसके बाद रोहित शर्मा के पास कोई बहुत यहाँ पे देख सकते हैं रिसेंट प्रदर्शन में कोई भी दोस्तों इनको जब मुंबई इंडियंस को जरूरत हुई कि प्ले ऑफ में अब टीम जानी चाहिए तब रोहित शर्मा ने धोखा दिया है, अपने बल्ले से कोई भी रन नहीं बनाए। और ये दोस्तों तुला राशि के जातक हैं, हालांकि दोस्तों जब टीम प्ले ऑफ से बाहर हो जाएगी उसके बाद रोहित शर्मा का बल्ला आपको देखना कितना जबरदस्त चलने लगेगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेविस हेड बात करते हैं, 93% सिलेक्शन रेट है, ड्रीम टीम में दोस्तों ये भी बैक कर चुके हैं और इनके ऊपर भी मुसीबत आ गई थी। ट्रेविस हेड देख सकते हैं रिसेंट दो मुकाबले में ड्रीम टीम से बाहर थे और उसके पहले दोस्तों इनका बहुत जबरदस्त प्रदर्शन था, राजस्थान के सामने दोस्तों 84 पॉइंट दिए थे और राजस्थान को दोस्तों हैदराबाद ने, देख सकते हैं ट्रेविस हेड ने किस प्रकार की तूफानी पारी खेली, दिल्ली के सामने 130, आरसीबी के सामने 153, पंजाब के सामने ड्रीम टीम में फ्लॉप, चेन्नई के सामने 44। तो ये खिलाड़ी दोस्तों अकेले दम मैच जितवाने की दमखम रखता है। तो ये खिलाड़ी आपको ट्रेविस हेड दोस्तों जरूर ड्रीम टीम में लेकर चलना है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं तिलक वर्मा की बात की जाए तो तिलक वर्मा वृश्चिक राशि के जातक हैं और दोस्तों ये खिलाड़ी आपको ड्रीम टीम में 100% बैक करेगा और ड्रीम टीम में दोस्तों आपको पॉइंट्स देगा। आपको जरूर यहां पे दोस्तों देखना होगा कि तिलक वर्मा किस प्रकार से प्रदर्शन करके आपको जितवाएंगे। आप देख सकते हैं वृश्चिक राशि के जातक है दोस्तों 100% बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से ये खिलाड़ी ड्रीम टीम में बैक करेगा, क्योंकि दो बार से देख सकते हैं फ्लॉप हो चुके हैं और दोस्तों तिलक वर्मा ने अभी तक जो पूरे आईपीएल सीजन खेला है
जबरदस्त प्रदर्शन किया, ड्रीम टीम में लगातार प्रदर्शन किया है और अभी तक ड्रीम टीम में ये खिलाड़ी दोस्तों कप्तान बनने की दमखम रखता है। अभी तक दोस्तों ये खिलाड़ी दोस्तों ड्रीम टीम में कप्तान नहीं बन पाया है, जैसे कि आप ईशान किशन को देख रहे हैं, वो भी ड्रीम टीम में कप्तान नहीं बन पाए और उनके पास काबिलियत है कि वो ड्रीम टीम में कप्तान आँख मूंद करके बन सकती हैं। तो अब आपने देख लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं मेष राशि का जातक अभिषेक शर्मा, ये खिलाड़ी दोस्तों ड्रीम टीम में दो मैचों से बाहर हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे इनको जगह नहीं मिल रहा है ड्रीम टीम में। और उसके पहले मुकाबले में दोस्तों ये खिलाड़ी भी दोस्तों देख सकते हैं 60, 74, 52 इस प्रकार से काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। तो अभिषेक शर्मा भी दोस्तों 100% ड्रीम टीम में बैक करने वाले हैं, जरूर आप इनको ड्रीम टीम में लेकर के चलिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं टीम डेविड की बात करें तो दोस्तों टीम डेविड सिंह राज के जातक हैं और ड्रीम टीम में दोस्तों देख सकते हैं पिछले मैच में फ्लॉप थे। तो दोस्तों जब भी कोई खिलाड़ी पिछले मैच में फ्लॉप होता है वो 100% एक दो मैच फ्लॉप होने के बाद ड्रीम टीम में कमबैक करता है, और जो भी खिलाड़ी दोस्तों ड्रीम टीम में आता है लगातार वो खिलाड़ी उसके ऊपर खतरा मंडराने लगता है, बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से वो खिलाड़ी ड्रीम टीम से बाहर हो सकता है। तो इसी प्रकार से आप लोग टीम डेविड के ऊपर भी दोस्तों गेम चेंजर हो सकते हैं और इनके ऊपर रिस्क लिया जा सकता है। आप दोस्तों यहां पे देख सकते हैं निहाल वदेरा पिछले मैच में वाइस कैप्टन बने थे और बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से हमने बोला था कि ड्रीम टीम में ये कप्तान या वाइस कैप्टन कुछ भी नहीं बनेंगे और सीधा ड्रीम टीम से इनको बाहर का रास्ता दिखाया गया, ये दोस्तों बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से हो पाया संभव। निहाल वदेरा देख सकते हैं पिछले मैच में ड्रीम टीम में प्रदर्शन नहीं कर पाए, हालांकि ये अल्टरनेट पोजिशन पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं लखनऊ राजस्थान सामने इन्होंने ड्रीम टीम में योगदान दिया है और दिल्ली केकेआर के सामने ड्रीम टीम में कोई भी योगदान नहीं है, तो मतलब कि अब की बार ये फिर से ड्रीम टीम में अपनी जगह पक्की करना चाहेंगे। उसके बाद अब्दुल समद की बात करें, ये भी दोस्तों देख सकते हैं मेष राशि के जातक हैं, ड्रीम टीम में दोस्तों ये खिलाड़ी भी फ्लॉप है, शुरुआत में दोस्तों इन्होंने 3-4 बार ड्रीम टीम में जगह बनाई है मगर रिसेंट प्रदर्शन अगर देखा जाए तो बुरी तरह फ्लॉप थे, और जो भी खिलाड़ी दोस्तों फ्लॉप है बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से उसकी ड्रीम टीम में 100% जगह पक्की हो जाती है। तो आप लोग इस खिलाड़ी के ऊपर नजर रखिएगा, ये कहीं ना कहीं ड्रीम टीम में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहेगा क्योंकि बहुत समय हो गया इनका जो सीजन है वो फ्लॉप जा रहा है। उसके बाद दोस्तों नमन धीर को मौका मिला था, दोस्तों नमन धीर पूरी तरह से फ्लॉप चले, कोई भी दोस्तों यहां पे ड्रीम टीम में इनको भी जगह नहीं मिली, और दोस्तों यहां पे आपने सभी बल्लेबाजों को देख लिया। अब दोस्तों बारी है कि ऑलराउंडर सेक्शन से बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से देख सकते हैं मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या देख सकते हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि इनकी टीम कहीं ना कहीं इनकी कप्तानी में जब दोस्तों टीम के सभी खिलाड़ी फ्लॉप हो रहे हैं तब हार्दिक पांड्या यहाँ पे देख सकते हैं ये किस राशि के जातक है। दोस्तों हार्दिक पांड्या अगर बात की जाए तो कर्क राशि के जातक हैं और ये दोस्तों अकेले दम अपनी टीम को जिताने की ताकत रखते हैं, मगर दोस्तों क्या करें कप्तानी का कलंक इनके ऊपर लग गया है, ड्रीम टीम में योगदान बराबर चल रहा है। जब दोस्तों सभी खिलाड़ी फ्लॉप हो रहे देख सकते हैं 67, 54, 64 अकेले दम इतने पॉइंट्स दे रहे हैं, मगर दोस्तों इनका नसीब नहीं साथ दे रहा क्योंकि इनके जो नसीब है वो राक्षस के दोस्तों मिलनसार हैं। इसी वजह से दोस्तों आपको हार्दिक पांड्या का बिहेवियर दोस्तों आपने देखा होगा ग्राउंड पर किस प्रकार का रहता है, इसी वजह से इनका नसीब खराब चल रहा है आईपीएल में 2024 में, और उसके पहले दोस्तों इन्होंने 2 बार फाइनल खेला है वो दोस्तों गुजरात की टीम की मुंबई की इंडियंस में, दोस्तों इनके आने से पूरी तरह से फनौती फैल गई और टीम नीचे से टॉप कर गई है। तो आप लोग समझ सकते हैं अकेले हार्दिक पांड्या ड्रीम टीम में कितना भी प्रदर्शन कर ले अपनी टीम को प्लेऑफ में नहीं पहुंचा पाएंगे, और हार्दिक पांड्या 100% बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से पिछले मैच में दोस्तों ड्रीम टीम में लगातार 3 बार आ रहे हैं, या तो ड्रीम टीम में वाइस कैप्टन बनेंगे या फिर दोस्तों ड्रीम टीम से बाहर होंगे, इस बात को लिख कर ले लीजिएगा आप लोग। दोस्तों ड्रीम टीम में या तो ये दोस्तों हार्दिक पांड्या अच्छा प्रदर्शन करेंगे क्योंकि अभी तक पूरे आईपीएल सीजन में ड्रीम टीम में इस खिलाड़ी का कोई बड़ा योगदान आपको देखने को नहीं मिला, हालांकि लगातार कुछ ना कुछ 50-60 पॉइंट दे रहे हैं ड्रीम टीम में, मगर वाइस कैप्टन या कप्तान अभी तक ड्रीम टीम में नहीं बन पाए। तो इनके पास भी दोस्तों वो दमखम है हार्दिक पांड्या के पास कि ये दोस्तों बॉलिंग और बैटिंग दोनों तरफ से प्रदर्शन करके ड्रीम टीम में कप्तान या वाइस कैप्टन जरूर बन सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहां पे बात कर लेते हैं, देख सकते हैं के नीतीश रेड्डी 85% सिलेक्शन रेट है और ड्रीम टीम में ये खिलाड़ी दोस्तों हैदराबाद का बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन कर रहा है। राजस्थान के सामने 113 पॉइंट के नीतीश रेड्डी की बात करें तो ये किस राज का जातक है, मिथुन राज का जातक है और ड्रीम टीम में अच्छा योगदान कर सकता है, देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं 113-35 और यहाँ पे दिल्ली के सामने 103। तो दोस्तों ये खिलाड़ी आपको ड्रीम टीम में जरूर लेकर चलना है, ड्रीम टीम में आपको पॉइंट्स दे सकता है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों मार्को जॉनसन पिछले मैच में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 30 पॉइंट दिए, बड़ी मुसीबत में ये ड्रीम टीम में जगह बना पाए, जरूर दोस्तों इस खिलाड़ी को अगर आप लोग बैक करना चाहें तो कर सकते हैं या फिर ड्रॉप कर सकते हैं। अब्दुल समद की बात करें देख सकते हैं लगातार 2 मुकाबलों में ड्रीम टीम में प्रदर्शन करके 2 मुकाबलों में फ्लॉप, तो अब की बार दोस्तों इस खिलाड़ी को अगर आप लोग दोस्तों गेम चेंजर समझते हैं तो अब्दुल समद शहबाज अहमद को जरूर ट्राई करिएगा, ये कुंभ राज का जातक का जरूर आपको ड्रीम टीम में अच्छा योगदान दे सकते हैं।
दोस्तों आपने ऑलराउंडर सेक्शन में देख लिया कि कौन से खिलाड़ी को दोस्तों लेना है, किसका क्या प्रदर्शन है, क्या औकात है। अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे बॉलर सेक्शन से। बॉलर सेक्शन में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जसप्रीत बुमराह 89% ड्रीम टीम में सिलेक्शन रेट है, और दोस्तों बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से कोलकाता के सामने 3 विकेट लेकर के इतिहास पलट दिया, ड्रीम टीम में वाइस कैप्टन बन गए। क्योंकि दोस्तों जसप्रीत बुमराह को कोई भी टीम नहीं ले रहा था, हमने बोला था बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से 3 मैचों में दोस्तों ड्रीम टीम से फ्लॉप होने के बाद जसप्रीत बुमराह को टीम में शामिल किया गया, और वाइस कैप्टन भी हमने फंसाया था जसप्रीत बुमराह को। आप लोगों को हमने कप्तान कप्तान वाले स्पेशल वीडियो में प्रूफ के साथ दिखाया था। तो देख सकते हैं जसप्रीत बुमराह पिछले मैच में प्रदर्शन कर चुके हैं, इस मैच में दोस्तों 100% ये वाइस कैप्टन तो नहीं बनेंगे, मगर इनकी ड्रीम टीम में जगह पक्की है। जसप्रीत बुमराह को दो विकेट 100% मिलने वाले हैं। अब दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान की बात कीजिए, देख सकते हैं पैट कमिंग दोस्तों अब की बार इस मैच में इनको नहीं लेकर चलना है। और पैट कमिंग की बात करें तो इनकी जो राशि है वो कन्या राशि के जातक है, देख सकते हैं यहाँ पे, और ड्रीम टीम में ये अल्टरनेट प्रदर्शन कर रहे हैं। देख सकते हैं राजस्थान आरसीबी के सामने 54 और 73 पॉइंट्स दिए, चेन्नई और डीसी के सामने देख सकते हैं इनका जो प्रदर्शन है वो फ्लॉप है। तो अब की बार मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि इनका जो ड्रीम टीम में जो प्रदर्शन है वो दोस्तों इनको एक ही विकेट मिलेगा, और एक विकेट मिलने वाले बॉलर की कोई औकात नहीं है ड्रीम टीम में, उसकी जगह ही नहीं बन पाती। उसके बाद जिराल कोट जी की बात करें, देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कुंभ राज के जातक है, देख सकते हैं पिछले मैच में फ्लॉप थे, तो ये खिलाड़ी ड्रीम टीम में आपको दोस्तों 1-2 विकेट निकाल सकता है, और ये ड्रीम टीम में जरूर बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से दोस्तों देख सकते हैं जिराल कोट जी की बात करें तो ये कुंभ राज का जातक है, जरूर बैक करेगा ड्रीम टीम में। अब दोस्तों पिछले मैच में जसप्रीत बुमराह ने बैक कर दिया, तो अब की मैच में जिराल कोट जी, टी नटराजन की बात करें तो 61% सिलेक्शन रेट है, और देख सकते हैं ड्रीम टीम में ये खिलाड़ी दोस्तों आपको दो तीन विकेट लगातार निकाल कर दे रहा है, या तो फिर ड्रीम टीम से बाहर हो रहा है। सिंह राज का जातक है और ड्रीम टीम में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, तो इस खिलाड़ी के ऊपर दोस्तों आपको विश्वास रख करके 2 विकेट कम से कम टी नटराजन अपनी टीम के लिए निकाल सकते हैं। पीयूष चावला दोस्तों पिछले मैच में पूरे आईपीएल सीजन में फ्लॉप चल रहे हैं, अभी भी उनका फ्लॉप शो जारी है, इस खिलाड़ी को आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं, एक ही विकेट मिल सकता है या फिर एक भी विकेट नहीं मिलेंगे। देख सकते हैं भुवनेश्वर कुमार पिछले मैच में दोस्तों जबरदस्त तरीके से राजस्थान के सामने 3 विकेट झटक दिए, जबरदस्त तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, और चेन्नई के सामने 1 पॉइंट। आप दोस्तों भुवनेश्वर कुमार जरूर फ्लॉप होंगे 100% दोस्तों, मुंबई के सामने इनको एक ही विकेट या एक भी विकेट ना मिले, क्योंकि दोस्तों कोई भी खिलाड़ी जब आपको प्रदर्शन करके देता है तो वो ड्रीम टीम से बाहर होने का उसके ऊपर खतरा मंडराने लगता है। तो आप लोग समझ गए होंगे आखिरकार मैं क्या कहना चाहता हूं। उसके बाद जयदेव नाकड़ की दोस्तों बात करें, इस खिलाड़ी को भी दोस्तों देख सकते हैं आप लोग बैक कर सकते हैं, ये खिलाड़ी के पास दोस्तों 2-3 विकेट लेने की क्षमता है, और जयदेव नाकड़ की बात की जाए तो जरूर दोस्तों ये आपको ड्रीम टीम में दोस्तों प्रदर्शन कर सकता है, मकर राशि का जातक है, ड्रीम टीम में अच्छा योगदान दे सकते हैं जयदेव नाकड़। उसके बाद नुआन तुसेरा दोस्तों यहाँ पे मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी हैं, देख सकते हैं गेंदबाज सेक्शन से केकेआर के सामने इन्होंने दोस्तों केकेआर की रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख दी, दोस्तों केकेआर के सामने देख सकते हैं 87 पॉइंट दिए, और नुआन तुसेरा की बात की जाए दोस्तों ये किस राज्य के जातक हैं, तो ये वृश्चिक राशि के जातक है, वृश्चिक राशि के जातक आपको ड्रीम टीम में या तो प्रदर्शन करेंगे या फिर सीधा ड्रीम टीम से बाहर होंगे। तो दोस्तों 1 विकेट या 2 विकेट का आप लोग आस लगा सकते हैं नुआन तुसेरा से। अब दोस्तों आपके सामने पूरी टीम बनकर के तैयार है, पूरा प्रदर्शन कौन कौन से खिलाड़ी कितना किए हैं, आप दोस्तों बारी की हम टीम बना करके दे, आप लोग वीडियो को लाइक करें, बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से 100% आपको दोस्तों इतनी जबरदस्त टीम दी जाएगी कि आपको पूरे यूट्यूब पर ऐसी टीम नहीं मिलेगी। तो दोस्तों अगर आप लोग बागेश्वर बाबा को मानते हो तो कमेंट्स बॉक्स में जय बालाजी महाराज की जरूर लिखें, और दोस्तों यहाँ पे बागेश्वर धाम की नाम के नाम जरूर लिखिएगा दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में, जय बालाजी महाराज, जय सन्यासी बाबा, जय बागेश्वर धाम की, और साथ में अपना नाम लिखिए आप कहाँ से देख रहे हैं वो भी लिखिएगा, आखिरकार पता तो चले कि बागेश्वर बाबा के जो भक्त हैं ड्रीम इलेवन में दोस्तों करोड़पति बनना चाहते हैं वो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, और उनकी किस्मत भी खुल जाएगी। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आपको टीम बना करके दे रहे हैं, देख सकते हैं विकेट कीपर सेक्शन से यहाँ पे दोस्तों लेंगे किसको किसको लेकर चलना है, तो दोस्तों यहाँ पे ईशान किशन भी दोस्तों इनके पास दमखम है, जरूर इनको लेकर के चलिएगा, अभी तक दोस्तों ड्रीम टीम में कोई लंबी पारी इनके बल्ले से नहीं निकली, हालांकि दोस्तों मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ईशान किशन बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, हेनरी क्लाइसन को भी बैक कर सकते हैं, और दोस्तों यहाँ पे आपको हेनरी क्लाइसन अगर लेना है तो दोस्तों आप सेकेंड इनिंग में दोस्तों हेनरी क्लाइसन को लेना, फर्स्ट इनिंग में अगर मुंबई इंडियंस बैटिंग करती है तब दोस्तों उस कंडीशन में आपको हेनरी क्लाइसन को ड्रॉप करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं रोहित शर्मा फ्लॉप थे, रोहित शर्मा को लेना है, ट्रेविस हेड, तिलक वर्मा भी फ्लॉप थे, और अभिषेक शर्मा ये दोस्तों आपको टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज लेकर चलना है। अगर निहाल वधेरा को ले सकते हो तो ले सकते हैं, सूर्य कुमार यादव को अगर आप ड्रॉप करना चाहें तो कर सकते हैं दोस्तों, पिछले मैच में इन्होंने प्रदर्शन किया है, तो इस मैच में दोस्तों 100% सूर्य कुमार यादव फ्लॉप हो सकते हैं या फिर ये लंबी पारी भी खेल सकते हैं, तो अगली टीम में सूर्य कुमार यादव को लेंगे, इस टीम में जरूर ड्रॉप करेंगे। ज़्यादातर दोस्तों यहाँ पे आपको वही खिलाड़ी लेकर चलना है जो ड्रीम टीम में प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर पूरी तरह से ड्रीम टीम में पिछले मैच में फ्लॉप थे।
तो आप लोग देख सकते हैं हार्दिक पांड्या के नीतीश रेड्डी, और दोस्तों अगर आप शहबाज अहमद को लेना चाहें तो शहबाज अहमद को भी ले सकते हैं। अब दोस्तों जसप्रीत बुमराह हो गए, जिराल कोट जी को लेना है, टी नटराजन को लेना है, और देख सकते हैं आप लोग दोस्तों नुआन तुसेरा या जसप्रीत बुमराह, नुआन तुसेरा को भी दोस्तों बैक कर सकते हैं, या फिर जिराल कोट जी को अगर ड्रॉप करना चाहे तो कर सकते हैं, यहाँ पे जसप्रीत बुमराह को बैक कर सकते हैं। तो आपके सामने दोस्तों जो टीम बन करके आइए देख सकते हैं, विकेट कीपर सेक्शन में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हेनरी क्लाइसन है और यहाँ पे ईशान किशन है। बल्लेबाज में देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे बल्लेबाज सेक्शन की बात की जाए तो रोहित शर्मा है, ट्रेविस हेड है, और यहाँ पे तिलक वर्मा है, अभिषेक शर्मा है, और उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन में आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं हार्दिक पांड्या हैं, के नीतीश रेड्डी हैं, और बॉलर सेक्शन में जसप्रीत बुमराह हैं, टी नटराजन है, और नुआन तुसेरा है। अब दोस्तों बात आती कि आज के मैच में टीम तो बन गई दोस्तों, कप्तान उपकप्तान किसको बनाएंगे। अगर आप लोग कप्तान उपकप्तान नहीं बना पाते दोस्तों तो आप लोग दोस्तों बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। कप्तान उपकप्तान अगर आप लोग दोस्तों बनाना सीख गए तो आपको दोस्तों ड्रीम इलेवन में जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपके सामने पूरी टीम खड़ी हुई है, अब दोस्तों बारी कि कप्तान उपकप्तान किसको बनाया जाए। कप्तान उपकप्तान अगर आप लोग दोस्तों फंसाना चाहते तो ड्रीम इलेवन में आपको दो गलती नहीं करनी है। दो गलती कौन सी है कि आपको पिछले मैच के खिलाड़ियों को कप्तान उपकप्तान नहीं बनाना, दोस्तों पिछले मैच में जो कप्तान उपकप्तान बने हैं उन खिलाड़ियों को कप्तान उपकप्तान नहीं बनाना। उसके बाद दोस्तों क्या करना है कि आप लोग दोस्तों हाई सिलेक्शन परसेंटेज के पीछे अगर आप लोग कप्तान उपकप्तान बनाते हैं तो ये गलती भी आपको छोड़नी पड़ेगी। अगर हाई सिलेक्शन परसेंटेज की कप्तान उपकप्तान बनाएंगे तो ड्रीम इलेवन में कभी भी विनिंग नहीं होगी। आप दोस्तों चलिए आज के मैच में कप्तान उपकप्तान किसको बनाना है दोस्तों, तो यहाँ पे बात करते हैं। रोहित शर्मा के ऊपर रिस्क लेंगे, फ्लॉप चल रहे काफ़ी समय से, तो रोहित शर्मा के ऊपर फ्लॉप चल रहे हैं। और दोस्तों वाइस कैप्टन की बात की जाए तो यहाँ पे वाइस कैप्टन आप लोग बना सकते हैं के नीतीश रेड्डी को। बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से पहला कॉम्बिनेशन आ चुका है कप्तान उपकप्तान का, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पहला कॉम्बिनेशन दोस्तों रोहित शर्मा को कप्तान बनाना है, के नीतीश रेड्डी को वाइस कैप्टन, बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से 100% ये कॉम्बिनेशन आप सबके लिए काम कर सकता है। रोहित शर्मा फ्लॉप चल रहे हैं तो ये जरूर दोस्तों कप्तानी पारी खेल सकते हैं, और के नीतीश रेड्डी एक सेफ जोन है। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि दूसरा जोन दोस्तों आप लोग ट्रेविस हेड को कप्तान बनाइएगा और हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन बना सकते हैं। हार्दिक पांड्या भी दोस्तों अभी तक वाईपीएल में वाइस कैप्टन या कप्तान नहीं बन पाए हैं, जैसे कि आपको रविंद्र जडेजा आज के मैच में कप्तान बन गए सीधा। और ट्रेविस हेड आपके लिए सेफ जोन है दोस्तों, जो कि फार्म इनकी बहुत ही जबरदस्त है, और इनकी फार्म का फायदा क्यों ना उठाया जाए। दोस्तों आपको एक तरफ हाई सिलेक्शन परसेंटेज अगर आप लोग कप्तान चुन भी लेते हैं तो आपको रिस्की वाइस कैप्टन लेकर चलना होता है। अगर आप वहीं दोस्तों हाई सिलेक्शन परसेंटेज से दोनों वाइस कैप्टन कप्तान चुनते हैं तब आपका काम गड़बड़ होता है। अब ये दोस्तों ट्रेविस हेड को कप्तान बनाना और हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन बनाना। इसके बाद अगला कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पे आप लोग दोस्तों देख सकते हैं अभिषेक शर्मा को कप्तान बना सकते हैं और ईशान किशन को वाइस कैप्टन बना सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन दोस्तों तीसरा कॉम्बिनेशन है, ये दोस्तों ईशान किशन को वाइस कैप्टन बनाइएगा, अभिषेक शर्मा को कप्तान, तो ये कॉम्बिनेशन 100% आपको काम कर सकता है। अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ईशान अभिषेक शर्मा को कप्तान नहीं बनाना चाहते तो टी नटराजन को बना सकते हैं, ये खिलाड़ी भी आपको दो तीन विकेट निकाल सकता है। जरूर दोस्तों आपको वाइस कैप्टन या कप्तान बन सकते हैं गेंदबाज सेक्शन से।